तो आ गए एक और तड़कते भड़कते और फनी वीडियो के साथ। इस गेम प्ले वीडियो में मैं खेल रहा था डुओ वर्सेस डुओ का मैच और उतरा था ओल्ड बेसिन जहां बंदे दबा के आते हैं। अब इस वाले मैच में मेरे साथ खेल रहा था मेरा टीममेट मिस्टर साहिल ओपी जो कि बहुत ही बड़ा किल चोर है। भैया इसकी बात ही क्या बताएं, जब भी मैं डुओ और स्क्वाड खेलता हूँ मतलब ये पूरा किल ही चोरी कर लेता है। अब देखो गाइस सामने वाले छत पर होते हैं दो बंदे। अब मेरे टीममेट को तो मिल गई थी एसकेएस, अब मुझे मिली थी शॉटगन, तो खोपड़ी फोड़ना तो इम्पोर्टेंट है। भैया ये वाला बंदा फ्री फायर पे फ्री फायर देता है, जैसे ही सामने आता है लपेटा धाए 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 तुरंत इनको नॉक कर देता है। अब इसका लौंडा होता है इस वाले घर पर जो कि कुछ समय बाद रश करने वाला था। जिसके ही इसका टीम अटैक लो बेटा धाए 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 तुरंत इनको फिनिश कर देते हैं। अब भैया सामने वाले बंदे तो मेरा किल चोरी कर लेते हैं। अब भैया मेरा तो खून खौलने लगता है, मैं तुरंत रश कर देता लेकिन भैया मेरा टीममेट नॉक हो चुका था। हमने कहा भैया रिवाइव कर दो, समय में काम आएगा, भले ही किल चोरी ही क्यों ना करता हो। अब देखो भाई सामने से एकदम भना भन गोली चले पड़े थे। हमने कहा रुको बेटा अभी आते हैं। अब सामने की तरफ होते हैं पूरे के पूरे चार पांच लौंडे जो कि गोली पे गोली चलाए पड़े थे। हमने कहा रुक जाओ बेटा थोड़ी देर रुको, अभी आके तुम ऐसा कंटाप लगाएंगे तुमने कभी सोची ना होगी। सामने की तरफ मुझे जैसे बंदे थे बेटा तुरंत इनको दो बंदे को ठेल देते हैं। हमने कहा बहुत सही भैया तुरंत इन पर रस कर दो। अब भाई एक लौंडा बचा था तो कि यहाँ पर था। हमने कहा रुको बेटा अभी आते लो बेटा धाए इन बंदों को फिनिश कर देते हैं। हमने कहा बहुत सही। अब भैया हम गाड़ी लेने जा रहे थे तब एक बोट हम पर चिढ़ाने लगता है। हमने कहा लो भी तुम भी टेढ़े मेढ़े। भैया इस वाले बोट को एकदम खटिया वटिया बिछा कर बढ़िया झोला वोला भर कर लूट कर हम जाते हैं सीधे गाड़ी के तरफ। भैया गाड़ी को उठाकर हम बंदों को यहाँ से वहाँ ढूंढे पड़े थे। अब देखना भैया सामने वाला बंदा कितना हजार आईक्यू यूज करता है और क्या होता है इसके साथ। लो भैया गाड़ी कहाँ ठुकी और बंदा कहाँ मरा। अब ग्रेनेड बाद में फूट रहा है, बुड़बक पहले फूट जाते। अब भैया झोला वाला भरकर हम आते हैं इस वाली जगह पर जहाँ शूटिंग रेंज पर बंदे फ्लेयर ड्रॉप मंगाए थे। अब मुझे एक बंदा सामने स्पॉट है, कर लो बेटा इनका भी किल चोरी कर लेता है नंबर टू। हमने कहा बहुत सही नंबर टू, तुम किल चोरी ही करते रहो, हमें किल तो देना ही नहीं। अब एक बंदा राइट से फायर करता है। हमने कहा भैया इसका किल हमें चाहिए नंबर टू, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो। अब देखो भैया सामने की तरफ एक कलवा, लो बेटा धाए लो भैया इसका भी किल चोरी कर लिया। अब हमने हमारे टीममेट को इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनाई कि तुमने कभी सोची ना होगी। इस पबजी लाइट को हम पर दया आ जाती है, वो हमको एको फ्री का किल देते हैं। हमने कहा बहुत सही पबजी लाइट, ऐसे ही फ्री का किल देते रहो, आई लव यू। अब भैया जिन लौंडों को हमने मारा था उनका ड्रॉप तो आ गया था। हमने कहा लूट लो पूरा लेवल 3 का हो जाओ। अब भैया कोनो बंदा इतनी जोर से पाता था कि क्या ही बताएं, पूरा धुआं आसमाने में जा रहा था। अब देखो भैया इस वाले ड्रॉप से तो मेरे टीममेट को मिल जाती AWM। मैं गाड़ी उठाकर रेंज में यहीं पर घूमे पड़ा था। भैया सामने गाड़ी के पीछे मुझे दो बंदे स्पॉट होते हैं, पता नहीं दोनों बंदे क्या ही कर रहे थे। अब भैया गाड़ी पे गोली गोली चलाने लगते हैं। हमने कहा भैया हमारा ईगो हट करते हो। अब भैया मेरा टीममेट गाड़ी को ऐसे ठोकता है वो बंदा पापा का पारा बनकर उड़ने लगता है। अब भैया इस वाले बंदे को तो मेरा टीममेट नॉक कर देता है, इसका टीममेट होता है वो झोपड़ी के पीछे। हमने कहा लो बेटा सुर भैया इस किल हमें मिल जाता है। हमने कहा बहुत सही है भैया एक किल तो मिल गया, वरना ये टीममेट हमारा पूरा किल ही चोरी कर रहा है। हमने कहा भैया चलो लूट पोट करके तुरंत यहाँ से निकलते हैं। अब भैया गाड़ी उठाकर एकदम फ्लैश वाली स्पीड के साथ मेरा टीममेट गाड़ी को चलाते हुए ले आता है सिंक डेल्टा के इस वाले एरिया पे जहाँ सामने की तरफ आता है एक ड्रॉप। अब भैया यहाँ पर हम आधे घंटे से घूमते हैं पर कोई बंदा दिखता ही नहीं। अब जैसे ही मैं इस वाले साइड जाने लगता हूँ सामने मुझे घास फूस पे एक बंदा स्पॉट होता है। मैंने कहा रुको बेटा लो कंटैप। अब भैया पता नहीं इस कार को इस वाले मैच में मिर्गी लग गई। अब भैया मारने का तो हम काफ़ी ट्राई करते हैं पर दोनों बंदों को लगता नहीं। अब एगो बंदा चौड़ में आकर रस करता है, धाए तुरंत इनको नॉक कर देता है। अब नाम देख लो मिस्टर बाबू वाइटी, तो हम क्या हैं दादाजी। अब भैया जैसे ही घास फूस वाला बंदा आता है लो बेटा कंटा। अब भैया ये वाला बंदा तो बच जाता है, पता नहीं भैया इस वाले मैच में हमारे इस कैलर को इतनी टट्टी आ गई थी कि क्या ही बताएं, बंदे को एम लग ही नहीं रहता। अब भैया बंदा भागता हुआ आ जाता है इस वाली साइड। हमने कहा लो बेटा धाए तुरंत इनको फिनिश कर देते हैं। अब भाई इस वाली पेटी से हम उतार लेते हैं MK-14।
अब देखो भैया, गाड़ी लेकर हम यहाँ से वहाँ डोले पर थे, पर कोनो बंदा स्पॉटी नहीं हुआ था। अब सामने पहाड़ की तरफ मुझे एक गाड़ी दिखता, हमने कहा चलो इन पर रस कर देते हैं। अब नंबर टू के पास होती है AWM, यहाँ पर रुकर नंबर टू बंदों के साथ चमचुम करना चाहता था। हमने कहा भैया हम तो चलते हैं सीधे रस करने, कहीं ये वाला व्हीकल चोरी ना हो जाए। अब हमने कहा था हमारे टीममेट को कि भैया तुम पीछे से कवर फायर देना, हम इन पर रस करते हैं। अब गाइस इन लोगों के पास जो गन होती है उसका तो मुझे पता नहीं था, मैं सीधे MQ-21 उठाकर इन पर रस कर देता हूँ। मुझे सामने को बंदा दिखता है, लो बेटा तुम जिसना ना तुरंत इनको कंटाप दे देते हैं। अब इनका दूसरा लौंडा होता है नीचे की तरफ, जो कि ड्रॉप लूट कर आ रहा था। हमने कहा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भैया जैसे नीचे से आता है घास फूस पहन कर, लो बेटा तुम इस तरह ना फिर। मम्मी अंधेरा कैसे हो गया, मर गए का? जरा डंडा लेके आता हूँ, इस दो नंबर खोपड़ी पे ऐसा डंडा मारेंगे कि सीधे परलोक में मिलेगा भाई। अब भैया हमारा टीममेट इतना बड़ा ढोर की क्या ही बताएं, जब मर गए हैं तब आ रहे हैं किल चोरी करने। अब बंदों को दो दो गोली मारेंगे और किल ही ले जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर